एक साल के मासूम की पटक कर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बच्ची के रोने से था परेशान। 20 दिन पहले बैंगलोर से प्रेमी के साथ भाग कर आई थी महिला। शिवपुरी में सोमवार की रात एक साल की मासूम के रोने पर उसे जमीन पर पटक कर फिर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी सास ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी थी। इस वारदात को अंजाम मासूम की माँ के प्रेमी ने दिया था। मंगलवार की सुबह महिला ने इसकी शिकायत बामूर कला थाने में पहुंचकर दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आज बुधवार की सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला करीब 20 दिन पहले अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ बैंगलोर से भागकर आई थी। घटना सोमवार रात 12 बजे घटित हुई थी। रात भर मां अपने एक साल के मासूम बेटी के शव को कलेजे से चिपका कर रखी रही। इस दौरान रात भर उसकी बेटी हत्यारा उसकी आंखों के सामने बैठा रहा। सुबह प्रेमी के भागने के बाद मां की शिकायत पर पुलिस ने मासूम के शव को बरामद कर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। शिवपुरी जिले के बामूरकला थाना के सुलारखुर्द गांव का रहने वाला 25 साल का भैयालाल आदिवासी पिछले एक साल से मजदूरी करने बैंगलोर गया हुआ था। वह किसी ठेकेदार के यहाँ सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी करने गया था। इस दौरान उसकी मुलाकात टीकमगढ़ जिले से मजदूरी करने आए 35 साल के जयंती आदिवासी से हो गई थी। जयंती अपने पति और 3 बच्चों के साथ बैंगलोर में रह रही थी। मजदूरी के दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया था। कई माह साथ रहने के बाद भैयालाल जयंती को 20 दिन पहले बैंगलोर से अपने गांव भगा लाया था। जयंती अपने साथ अपनी एक साल की बच्ची को साथ लेकर आई थी। तभी से दोनों सुलारखुर्द गांव में झोपड़ी में साथ रह रहे थे। पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 103 BNS का पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। SP अमन सिंह राठौर ने आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई थी जिनके द्वारा लगातार जंगल में सर्चिंग की गई थी। आज सुबह पुलिस टीम को जंगल की सर्चिंग के दौरान आरोपी भोग उर्फ भैयालाल आदिवासी जंगल में पहाड़ पर पेड़ों के बीच छुपा हुआ मिला था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अपने न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, कल जो बामूरकला में घटना हुई थी छोटी बच्ची की हत्या, उसमें आरोपी गिरफ्तार हो गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये थाना बामूरकला क्षेत्र का मामला है। कल बामूरकला थाने पर हरियाली जयंती आदिवासी ने आकर बताया कि उसकी 1.5 साल की बच्ची, जिसका नाम छाया आदिवासी था, उसके प्रेमी भैया लाल आदिवासी ने उसको जमीन पर पटक कर मार दिया है। जयंती आदिवासी की रिपोर्ट पर से पुलिस ने तत्काल मामला पंजीबद्ध किया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी पर तत्काल 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया और मैं स्वयं मौके पर पहुंचा और मैंने 2 टीमें बनाई। एक टीम थाना बामूरकला के प्रभारी के नेतृत्व में, एक टीम खनिया थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और कल शाम से लेकर देर रात तक पुलिस ने लगातार सर्चिंग करी है और आज सुबह ये लोहागढ़ के जंगलों में आरोपी भैयालाल को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर, इसमें आरोपी ने हत्या का क्या कारण बताया है? आरोपी का ये कहना है कि रात में जब हम लोग सो रहे थे तो बच्ची उठी और रोने लगी। इस बात पर से ही आरोपी क्रोधित हो गया और उसने बच्ची की हत्या कर दी। सर, इसमें एक चीज और सामने आ रही है कि जो आरोपी है वो बच्ची का पिता नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो भैयालाल है आदिवासी, ये बच्ची का पिता नहीं है। ये बच्ची की जो माँ है उसका प्रेमी है। ये लगभग 20 दिन पहले जयंती आदिवासी टीकमगढ़ से अपने प्रेमी भैयालाल आदिवासी के साथ गांव सुलार में आके रहने लगी थी और ये दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे।